देख सकते हैं मेरी कढ़ाई रेडी हो गई है। अब मैं इसको रिशॉर्ट करती हूँ, देन मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत रहेंगे। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी बीफ मटका कढ़ाई। इंग्रीडियंट्स बताती चली जाऊँ, ये बीफ है मेरे पास और मैं 2 टेबलस्पून सॉल्ट लिया, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स लिया, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया, 1 टेबलस्पून जीरा लिया, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर लिया, 1 टेबलस्पून मैंने लाल चिली पाउडर लिया और 1 टेबलस्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया। मैंने 3 ऑनियन लिए हैं उसको कटिंग कर लिया, 10 हरी मिर्च लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं और 3 गठी लहसुन की लिए हैं लिया और ऑयल है। लेट स्टार्ट। ये है मटके में मैंने प्याज का ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी, 1 कप मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। अब मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी एंड सॉल्ट ऐड करूंगी और अब मैं इसको प्याज को मैं लाइट ब्राउन कलर करूंगी, जैसे पिंक पिंक कलर आ जाएगा देन मैं इसमें चिकन सॉरी बीफ ऐड करूंगी। मेरा प्याज लाइट ब्राउन कलर का हो गया, अब मैं इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँ मसाले दुकान में। ये टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड करूँगी। तीन ही मैं इसको कुक करूँगी, टेन मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। तो हो गए थे मेरे मसाले को, अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। अब इसको गोश्त को थोड़ी देर 10 मिनट के बाद बीफ है इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 15-20 मिनट इसको गलने के लिए रखूंगी, देन मैं इसको भूनूंगी, देन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा गोश्त भून रहा है। अब इसमें मैं कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं मेरा गोश्त अच्छी तरह से गल गया। अब मैं इसको 10-15 मिनट भून लूँगी, देन मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं मेरी कढ़ाई रेडी हो गई है। अब मैं इसको रिशॉर्ट करती हूँ, देन मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरी मटका कढ़ाई की फाइनल लुक। आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।